इतिहास पर रोशनी के इस एपिसोड में हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बसने, उजड़ने और फिर बसने की 1600 साल पुरानी कहानी। नालंदा शब्द संस्कृत के तीन शब्दों ना जोड़ आलम जोड़ दा की संधि से बना है। इसका अर्थ ही है ज्ञान रूपी उपहार पर किसी तरह का प्रतिबंध न रखना। इसी उद्देश्य से बिहार के राजगीर में आज से कई सौ साल पहले सन 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तब यह भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया भर में प्रसिद्ध केंद्र था। अपनी स्थापना के बाद लगभग 700-800 सालों तक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय देश दुनिया में ज्ञान की अलख जगाता रहा। शिक्षा के इस मंदिर को महान सम्राट हर्षवर्धन के साथ ही पाल शासकों का भी संरक्षण मिलता रहा। दरअसल इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य यह था कि ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान हो जहां ज्ञान भी मिले। बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने कई बार नालंदा की यात्रा की और यहां पर ध्यान भी लगाया। मठ की तर्ज पर बना यह विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोप की सबसे पुरानी बोलोनका यूनिवर्सिटी से भी 500 साल से ज्यादा पुराना था। तक्षशिला के बाद नालंदा को ही दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। आवासीय सुविधा वाला यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों से पता चलता है कि यह स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अनुमान इससे लगाइए कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था जिसका नाम धर्मगुंज था, जिसका मतलब है सत्य का पर्वत। 9 मंजिला इस पुस्तकालय में 3 हिस्से थे जिन्हें रत्नरंजन, रत्नोधति और रत्न सागर नामों से जाना जाता था। यहाँ पर एक समय में 3 लाख से भी अधिक किताबें होती थी। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन मेरिट के जरिए होता था और उनका रहना, खाना और पढ़ाई सब कुछ निःशुल्क होता था। एक समय में यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई करते थे जिनके लिए 2700 से ज्यादा अध्यापक नियुक्त रहते थे। यहाँ भारत के अलावा कोरिया, जापान, तिब्बत, चीन, ईरान, इंडोनेशिया, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई अन्य देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ साहित्य, ज्योतिष शास्त्र, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कानून, विज्ञान, युद्ध कौशल, इतिहास, गणित, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई विषयों की पढ़ाई होती थी। इसके पूर्व छात्रों में इतिहास की कई हस्तियां शामिल हैं, जिनमें महान सम्राट हर्षवर्धन, पाल वंश के शासक धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद और नागार्जुन के नाम शामिल हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास सबसे पहले चीन के यात्री हेवनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत के दौरे पर आए थे और अपने देश लौटने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से लिखा। इन दोनों चीनी यात्रियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। इस विश्वविद्यालय की खासियत थी कि यहाँ पर सभी काम लोकतांत्रिक प्रणाली से होते थे। हर फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, जिसके लिए सन्यासियों के साथ शिक्षक और छात्र भी अपने विचार रखते थे। इतिहास के जानकार बताते हैं कि साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और यहां पर आग लगवा दी, जिसमें पुस्तकालय की किताबें हफ्तों तक चलती रहीं। इस आक्रमण के दौरान नालंदा में काम करने वाले कई धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों से पता चलता है कि पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा था। इसमें प्रवेश के लिए एक मेन गेट था। इसके भीतर उत्तर से दक्षिण की ओर कतार में मठ थे और उनके सामने कई भव्य स्तूप और मंदिर बनाए गए थे। इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी जो अब नष्ट हो चुकी हैं। खास बात यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त हिंदू थे, फिर भी नालंदा में बौद्ध धर्म को परिश्रय मिला था। बिहार में पटना से करीब 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में आज भी इस प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर पाए जाते हैं। राजगीर जिले में स्थित इस विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष ही इतने चौड़े हैं कि इन पर ट्रक तक चलाया जा सकता है।
वैसे तो खुदाई में यहाँ 1.5 लाख वर्ग फुट में नालंदा विश्वविद्यालय की निशान मिली है, पर माना जाता है कि यह पूरे विश्वविद्यालय का केवल 10% हिस्सा है। अब नालंदा की तर्ज पर ही राजगीर में नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना 25 नवंबर 2010 को ही हो गई थी। इससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के फिर से उद्धार का प्रस्ताव तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने साल 2006 में बिहार की विधानसभा में रखा था। साल 2016 में ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है और अब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपनों का नालंदा विश्वविद्यालय साकार रूप ले रहा है।